नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मिडिल ईस्ट में जंगी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान में हिजबुल्ला की कब्र खोदने में जुटे इसराइल को उसका पलटवार भी झेलना पड़ रहा। नए कमांडर की नियुक्ति के बाद हिजबुल्ला के तेवर आक्रामक हो गए हैं। एक बार फिर उसने इसराइली शहरों को अपना मिसाइलों और रॉकेट हमले से दहला दिया है। हिजबुल्ला की रॉकेट वाली ताकत अभी भी कायम है। हिजबुल्ला के जखीरे में अभी भी काफी आग बाकी है। हिजबुल्ला के लड़ाके घुटने टेकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। नया कमांडर मिलने के बाद से हिजबुल्ला के हौसले फिर से बुलंद हैं। उसके लड़ाकों का जोश फिर से हाई है, जिसकी गवाही तेल अबीब से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई लेबनान से छोड़ी गई एक मिसाइल इजराइल के तीरा शहर में आकर गिरी। ये मिसाइल हिजबुल्ला ने दागी थी। इस हमले की तस्वीरें एक कार के डैश कैम में कैद हो गई। हिजबुल्ला के इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद तीरा इलाके में आग लगी नजर आई। देखिए ये तस्वीरें, तबाही का ये मंजर बता रहा है कि हिजबुल्ला अपने मकसद में कामयाब रहा है। हिजबुल्ला के हमले से हिल गया इजराइल। लेबनान के पाताल लोक से आई मिसाइल। हिजबुल्ला ने शुक्रवार को अपनी मिसाइलों और रॉकेट से उत्तरी इसराइल को दहला कर रख दिया। हिजबुल्ला ने कई शहरों और इजरायली सैन्य चौकियों पर टारगेटेड अटैक किए। हिजबुल्ला ने मिसाइलों के साथ साथ रॉकेट और हमलावर ड्रोन दोनों का इस्तेमाल किया। हिजबुल्ला लड़ाकों ने खियाम शहर के दक्षिण में स्थित अल मसलख इलाके में सबसे पहले हमला बोला। हिजबुल्ला ने इसराइली सैनिकों के एक समूह को निशाना बनाकर यहाँ रॉकेट की बौछार कर दी। हिजबुल्ला ने कारमेल और मालोट तरशिया बस्तियों को भी निशाना बनाकर रॉकेट अटैक किए। दोनों बस्तियों पर एक साथ रॉकेट हमला कर हिजबुल्ला ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। हिजबुल्ला ने इफ्ताह, अबीबिम और अल कुवाख क्षेत्र की बस्तियों के आसपास रॉकेट की बौछार कर दी। इसराइल दावा करता है कि उसने अपने हमलों में हिजबुल्ला के हथियार डिपो, लॉन्च पैड और सुरंगें तबाह कर दी हैं। लगातार एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी है। इसराइल का दावा है कि भारी मात्रा में हिजबुल्ला के हथियार या तो जब्त कर लिए गए हैं या फिर उन्हें नष्ट कर दिया गया है। सवाल यह है कि अगर इजरायली हमलों से हिजबुल्ला की कमर टूट चुकी है, उसे भारी नुकसान हुआ है, तो फिर वो बड़े पलटवार कैसे कर रहा है? कि नईम कासिम ने नए कमांडर के तौर पे आने के बाद ये कहा और समझा कि जो भी हथियार हैं वो सीरिया से लेबनान के आते हैं और वो जो रूट था, वो जो नेशनल हाईवे था, उसे इजराइल ने तबाह कर दिया। लिहाजा नईम कासिम ने एक दूसरा रूट, एक अल्टरनेटिव रूट के ऊपर काम करना शुरू किया। और तीसरा, उसको ईरान और रशिया से कुछ इस तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स मिले हैं कि वो ड्रोन्स स्टेल्थ
और वो आयरन डोम के रडार में नहीं आते, उनको जैम नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो अटैक कर पाए हैं। हिजबुल्लाह ने पहले भी अपने हुदहुद ड्रोन भेज के इजराइल के बंदरगाह की सारी जानकारी दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन इसराइल के तमाम दावों की हिजबुल्लाह अपने पलटवार से हवा निकाल देता है। उसका ताज़ा हमला इसी बात की गवाही है। हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने राजधानी तेल अबीब से सटे शहरों को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट ने केफर गिलादी बस्ती को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। सनसनाते रॉकेटों की गूंज ने इजरायली नागरिकों को दहशत और खौफ से भर दिया। इसराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए तमाम रॉकेट और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हालांकि हिजबुल्लाह के ताज़ा हमले के बाद इजरायली शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में कई इमारतें तबाह हो गईं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद कई जगह मलबा बिखरा नजर आया। लोग मलबे में अपनों की तलाश करते नजर आए। हर जगह अफरा तफरी और दहशत फैली नजर आई। ये इसराइल में हालिया समय में हुआ हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसमें 7 नागरिकों की जान चली गई। इसके साथ ही उत्तरी इसराइल में लेबनान से हुए हमलों में मारे गए नागरिकों की संख्या 39 पहुँच गई है। हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने संगठन की कमान संभालने के साथ ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। उसने दावा किया है कि हिजबुल्लाह इजरायली हमलों से हुए नुकसान से उबर रहा है और जल्द ही वो इसकी भरपाई कर लेगा। नईम कासिम ने ये भी प्लान बनाई है कि वो फिदाइन अटैक करेगा इजराइल के लीडर्स के ऊपर, और जो इजराइल की एम्बेसीज हैं दूसरे देशों में और जो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं दूसरे देशों में उनके ऊपर भी आक्रमण कराएगा। यानी कि नईम कासिम ने ये कसम खा ली है कि मैं नसरुल्ला जो चाहता था मैं उसी की राह पर चलूँगा और इजराइल को भयंकर नुकसान पहुँचाऊँगा। जिस तरह से हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है, लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है, उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि लेबनान बॉर्डर की ओर से इजरायल की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।